लॉकडाउन में श्रमिकों के अलावा दूसरे राज्यों में फंसे बाकी लोगों को लाने ले जाने के लिए रेलगाड़ियां पटरी पर आ गई हैं। पहले सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई थीं, फिर बाद में विशेष राजधानी ट्रेन भी पटरी पर उतार दी गई, जिनकी संख्या रेलवे की तरफ से धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। ऐसे में इन ट्रेनों की संख्या बढ़ने से स्टेशनों पर जांच में लगे मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन प्रशासन के पास ट्रेन के आने वाले यात्रियों के संबंध में कोई सूची नहीं है। प्रशासन का कहना है कि अब तक विभिन्न प्रदेशों से 3 ट्रेन आ चुकी हैं, लेकिन ट्रेनों की संख्या बढ़ने की वजह से सही पता नहीं लग पा रहा है कि आने वाली ट्रेनों में कितने यात्री सवार थे। चूंकि अभी तक हम लोगों के पास जो व्यवस्था होती है, ट्रेन ये टर्मिनेट करती थी ज़्यादातर, और 2 से 3 ट्रेनें आती थी, तो उसका सिस्टम बहुत अच्छा से सेट था, लेकिन अब ट्रेन की संख्या बढ़ा दी गई है और आज अभी लगभग 6 ट्रेन आने की सूचना है। ये दूसरी ट्रेन है और कुछ ट्रेन तो 2 ट्रेन यहीं टर्मिनेट करेंगी, बाकी ट्रेन आगे भी जाएंगी, तो उसके सभी पैसेंजर यहाँ नहीं उतरेंगे। क्योंकि अभी नई व्यवस्था यहाँ पे आई है, तो थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की अभी ज़रूरत है, और क्योंकि हर ट्रेन से कितने पैसेंजर उतरेंगे उसका अभी पूरी लिस्ट भी नहीं मिल पाई है। तो हम लोग आगे से और प्लान करेंगे कि हम लोगों को एडवांस में ही सारी लिस्ट मिल जाए, ताकि हमको आइडिया रहे कि जो ट्रेन यहाँ पे नहीं टर्मिनेट हो रही है, केवल स्टॉपेज है, हमको पता रहे कितना पैसेंजर उसके उतरेंगे, और उसी हिसाब से हम लोग उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कर सकें। तो जो भी पैसेंजर उतर रहे हैं उसको हम लोग स्क्रीनिंग करके और पानी नाश्ते पैकेट दे के उनको बसेस से संबंधित जिलों में भेजेंगे। व्यवस्था सारी वही रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी, बस थोड़ा सा हम लोग को और एडवांस प्लानिंग करेंगे, तो कहीं पर कोई भी व्यक्ति बिना खाने के नहीं जाए। हालांकि जिला प्रशासन और रेल प्रशासन की तरफ से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इन ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों के रेल प्रशासन के द्वारा भी नाश्ते और पानी की भी व्यवस्था की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।